महिला मित्र बड़ा ही लोडेड शब्द है, छूटने को तैयार रहता है एक बंदूक की तरह। महिला मित्र कभी हमारे लिए महज एक महिला नहीं होती जो किसी पुरुष की मित्र हो। अगर सिर्फ ऐसा होता तो मित्र के पहले महिला जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। खबरों के मुताबिक वो एक महिला मित्र थी जिनसे मिलने बीजेपी नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया पहुंचे थे, जब वो बालकनी से उतरते हुए गिरे और एक दुर्घटना का शिकार हो गए। कथूरिया बीते शुक्रवार यानी कि 22 मई को एक महिला से मिलने गए थे, महिला के ही फ्लैट में। खबरें ये भी बताती हैं कि फ्लैट किस शहर के और किस सेक्टर में था, मगर हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। जिस दौरान कथूरिया महिला के घर पर थे, अब उसी बीच किसी ने घंटी बजाई, जिसके बाद कथूरिया ने अपने कपड़ों की रस्सी बनाकर बालकनी के रास्ते नीचे उतरने की कोशिश की, मगर वो गिर पड़े। दुर्घटना में उन्हें काफी चोटें भी आई हैं। अपने बचाव में कथूरिया ने कहा कि वो महिला से किसी काम के चलते मिलने आए थे और जो व्यक्ति दरवाजे पर आया था वो उससे नहीं मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बालकनी का रास्ता अपनाया। कथूरिया फिलहाल फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं और पार्टी से बिना कोई कारण सार्वजनिक किए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। पूरे प्रकरण के वायरल होने के बाद लोगों के व्हाट्सएप तक चुपके से एक वीडियो पहुंचता है जिसमें वो महिला दिख रही है जिनके घर कथूरिया गए थे। महिला का वीडियो जिसने शूट किया है, जो महिला का पति भी हो सकता है, वो व्यक्ति लगातार महिला से सवाल पूछ रहा है भृत भाषा में, जिसका अर्थ है कि कितने साल से उसके साथ सेक्स कर रही थी। महिला जवाब देती है, फिर कहती है सॉरी, कई बार सॉरी कहती है, व्यक्ति के पांव से लिपटने का प्रयास करती है, डर से कांप रही है, मगर व्यक्ति अपने पहले सवाल पर कायम है, बार बार महिला के मुंह से सुनना चाहता है जिसे वो कैमरे में रिकॉर्ड भी कर सके। आवेश में आकर किसी को गाली दी जाती है, आवेश में उसका वीडियो वायरल नहीं हो सकता। वजह जो भी हो, ये वीडियो आज जाने कितने लोगों की स्क्रीन पर है, किसी के बेडरूम में बना वीडियो, किसी महिला के चरित्र की हत्या करता वीडियो। चंद्र प्रकाश कथूरिया हरियाणा बीजेपी के पुराने सदस्य रहे हैं, स्थानीय पॉलिटिक्स में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी रही है। पूर्व हरियाणा CM बंसीलाल के विश्वास पात्र बताए जाते थे, करनाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। कहते हैं कि टिकट के पीछे पार्टी में हुई इंटरनल राजनीति के चलते 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान मनोहर लाल खट्टर से दुराव हो गया था, क्योंकि करनाल से टिकट उन्हें नहीं दिया गया था। इसके बाद उन्हें भरपाई के तौर पर शुगरफेड यानी कि एक चीनी मिल महासंघ का चेयरमैन बना दिया गया था। कथूरिया कैसे नेता हैं, किस पार्टी से हैं, किस परिवार से हैं, इन सब चीजों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो किस घर आते जाते हैं। मगर ये देखना भी आश्चर्यचकित नहीं करता है कि इस घटना का इस्तेमाल तब तक ट्विटर पर बीजेपी पर हमला करने के लिए किया गया, तब तक मोदी के साथ तस्वीरें उनकी जो है वो डाली गई, जब तक उन्हें पार्टी से निकाल नहीं दिया गया। अब इंडियन पीनल कोड में विवाहेतर संबंधों के लिए धारा 497 हुआ करती थी, इसे साल 2018 में खत्म क्यों किया गया, इस बात का अंदाजा आपको ये सुनकर हो जाएगा। अडल्ट्री, जब कोई पुरुष ये जानते हुए किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाए कि वो किसी और की पत्नी है, और इस संबंध के लिए अगर महिला की पति ने रजामंदी नहीं दी है, तो ये रेप के बराबर माना जाएगा और अडल्ट्री कहलाएगा। इसके लिए 5 साल तक की सजा या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऐसे केस में महिला के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, उसे सजा नहीं होती है। अब साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। वजह थी कि ये पति को महिला की मालिक की तरह स्थापित करता है। उस वक्त के CJI दीपक मिश्रा ने कहा था कि अडल्ट्री कानूनन अपराध नहीं है, मगर ये एक पारिवारिक स्तर का मसला है। सिविल कोर्ट में ये डिवोर्स की वजह के रूप में तो जरूर देखा जा सकता है, पर अपराध नहीं। हमारा संविधान हमें इतना अधिकार तो देता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का मालिक नहीं बन सकता, चाहे पति पत्नी का या फिर पत्नी पति की। कानून दो अडल्ट्स को सहमति से सेक्स करने की इजाजत देता है, जिसमें शादी की कोई भूमिका नहीं होती है। शादी के बाहर किसी और से संबंध शायद एक बिगड़ती शादी को दिखा सकता हो, ये उसको भोग रहे व्यक्ति को तोड़ देने वाला मसला भी हो सकता है, पर अपराध नहीं हो सकता। मगर कानूनी नहीं, सामाजिक नहीं, और इसलिए समाज को कोई ये हक नहीं देता कि चीट करने वाली ही सही किसी औरत से ये पूछा जाए कि उसने कितनी बार किसी पुरुष से संबंध बनाए और उसे वायरल कर दिया जाए। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रतीक्षा ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।